नमस्कार, मैं रिया आहूजा, स्वागत है आपका मेरी दिल्ली न्यूज बुलेटिन में। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देशबंधु गुप्ता की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर महाराजा अग्रसेन जयंती का शानदार आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बड़ी धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। आयोजन में मुख्य अतिथि दिल्ली के पूर्व मंत्री मंगत राम सिंगल, पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल, वीपी ग्रुप के अध्यक्ष सत्यप्रकाश गुप्ता, दीप प्रज्वलनकर्ता विपिन गुप्ता एवं संजीव सिंगला, वर्ल्ड फा ग्रुप के प्रमोद गुप्ता, बॉडी केयर ग्रुप के सचिन गुप्ता, सतमोला ग्रुप के अनिल मित्तल, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट के वरिष्ठ उप प्रधान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गर्ग प्रमुख रूप से शामिल हुए। संगठन के पदाधिकारी महावीर गोयल, सुभाष चंद्र गुप्ता, पवन सिंगल, मंजू सिंगल सहित अनेक पदाधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। भारत लोक शिक्षा परिषद उत्तरी दिल्ली विभाग द्वारा पीतमपुरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा व्यास के रूप में श्रद्धेय आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री जी द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर सभी श्रद्धालु भक्तों को भाव विभोर कर दिया गया। कथा के मुख्य यजमान कॉलको पॉलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के विजय कुमार गुप्ता एवं साधना गुप्ता, वरुण गुप्ता एवं प्रेरणा गुप्ता तथा सोमा एंटरप्राइजेज लिमिटेड के रमेश कुमार वोपना एवं हाल्या रानी वोपना थे। स्वागताध्यक्ष का दायित्व ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गोयल, CMR वेलफेयर फाउंडेशन के अनिल बागला, विंस स्कफ फोल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के DP गोयल एवं नवीन गोयल द्वारा वहन किया गया। कथा के दौरान एकल विद्यालयों के संचालन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले दानवीरों को सम्मानित भी किया गया। पिछले 44 वर्षों से रामलीला का मंचन करने वाली संस्था पंजाबी बाग रामलीला कमेटी द्वारा इस वर्ष रामलीला मंचन में कई नए प्रयोग करने का फैसला किया गया है, जिसे देखकर दर्शक रोमांचित हो जाएंगे। रामलीला मंचन के लिए प्रतिष्ठित समाज सेवी अनिल कंसल के कर कमलों से भूमि पूजन किया गया। इस बीच रामलीला कमेटी का पुनर्गठन करते हुए प्रतिष्ठित समाज सेवी दयाल चंद गर्ग को मुख्य प्रेरक, सत्यदेव गोयल को चेयरमैन, घनश्याम दास गर्ग को वरिष्ठ वाइस चेयरमैन, MP अग्रवाल को अध्यक्ष, अमित अग्रवाल एवं विजय जिंदल को महामंत्री एवं प्रदीप मित्तल को कोषाध्यक्ष का दायित्व प्रदान किया गया है। रामलीला मंचन 15 से 24 अक्टूबर तक प्रतिदिन रात के 8:30 बजे से 11:30 बजे तक किया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली के सबसे प्राचीन विजयादशमी महोत्सव के लिए भूमि पूजन समारोह लाला लाजपत राय दशहरा स्टेडियम रिंग रोड पंजाबी बाग में रविवार 15 अक्टूबर को प्रातः 9:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। प्रतिष्ठित समाज सेवी सत्यनारायण गोयल अपनी धर्मपत्नी के साथ भूमि पूजन करेंगे। पंजाबी बाग क्लब के कोषाध्यक्ष पंकज अरोड़ा अपनी धर्मपत्नी के साथ सनातन धर्म का ध्वजारोहण करेंगे। समारोह के सम्मानित अतिथियों में सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, सांसद डॉ. सुशील गुप्ता, विधायक शिवचरण गोयल एवं गिरीश सोनी, निगम पार्षद सुमन त्यागी, राकेश जोशी एवं साहिल गंगवाल सम्मिलित हैं। दशहरा कमेटी के प्रधान रविंद्र गुप्ता, महामंत्री अरविंद खोसला एवं कोषाध्यक्ष सतीश जिंदल ने सभी राम भक्तों को कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया है। हरियाणा में जींद जिले के काबरछा मूल के श्री गंगाराम बंसल परिवार द्वारा पितृपक्ष के पावन अवसर पर पीतमपुरा के बत्रा टेंट में 7 से 13 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार 7 अक्टूबर को हरियाणा मैत्री भवन से बत्रा टेंट तक भव्य मंगल कलश शोभा यात्रा के साथ कथा का शुभारम्भ किया गया। तत्पश्चात कथा व्यास के रूप में पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा प्रवाहित की जा रही है। कथा के संयोजक डॉ. दरवेश बंसल एवं लाजपत बंसल ने बताया कि कथा प्रतिदिन सायंकाल 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। 14 अक्टूबर को कथास्थल पर कलश वितरण एवं भंडारे का आयोजन प्रातः 9 बजे किया जाएगा। बंसल परिवार द्वारा सभी श्रद्धालु भक्तों को कथा श्रवण के लिए सादर आमंत्रित किया गया है। अपने संपादकीय लेख में श्री राजेश गुप्ता ने जाति धर्म की राजनीति को देश के लिए अहितकार बताया है।
उन्होंने कहा कि आसन लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर मंडल बनाम कमंडल की तर्ज पर राजनीतिक दलों द्वारा जाति कार्ड खेलने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। यह विडंबना ही है कि आज़ादी के 76 वर्षों बाद भी हम आज भी जाति एवं धर्म के आधार पर कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, जबकि होना तो यह चाहिए कि जाति धर्म से परे सभी गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों के लिए कार्य किया जाए। सभी के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध करानी चाहिए, अगर संभव हो तो आवास की सुविधा भी उपलब्ध करानी चाहिए। श्री राजेश गुप्ता ने कहा कि गरीबों के कल्याण मार्ग पर चलकर जहां चीन ने अपना उत्थान किया है, वहीं जाति धर्म में फंसकर भारत अपने पतन का मार्ग तैयार कर रहा है। ऐसी राजनीति से देश का भला नहीं हो सकता। आयरन मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने श्री राम हनुमान मंदिर विलायती राम गर्ग मार्ग XY ब्लॉक लोहा मंडी नारायणा में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें करोलबाग जोन के हाउस टैक्स के जॉइंट SSR कलेक्टर पवन यादव, नारायणा थाना अध्यक्ष सतीश कुमार, इंद्रपुरी के थाना अध्यक्ष गुरमेल सिंह एवं ट्रैफिक इंस्पेक्टर नारायणा अशोक कुमार मीना भी शामिल हुए। बैठक में व्यापारियों ने हाउस टैक्स, सुरक्षा एवं जाम की समस्या उपस्थित अधिकारियों के समक्ष उठाई। उन्होंने समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय गर्ग एवं महामंत्री GS बाबा ने सभी का आभार व्यक्त किया। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रोहिणी में विवाद निपटान के लिए मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन हुआ। इस केंद्र की स्थापना दिल्ली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोसाइटी NCT दिल्ली के सहयोग से की गई। उद्घाटन अवसर पर सोसाइटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति ML मेहता, निदेशक अशोक अग्रवाल, सोसाइटी के अध्यक्ष विनीत कुमार लोहिया, कार्यकारी अध्यक्ष SP अग्रवाल, उपाध्यक्ष जगदीश मित्तल, संयुक्त महासचिव मोहन गर्ग, मुख्य कार्यकारी ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव, प्रोफेसर VC, SGT यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विनय कपूर मेहरा, मेट्स के सचिव रजनीश गुप्ता, डायरेक्टर मेम्स प्रोफेसर रजनी मल्होत्रा ढींगरा और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। SD पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। विद्यालय के पूर्व छात्र रवि गोयल को इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी रुचियों एवं क्षमता को पहचान कर उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। प्राचार्य मनीषा जोशी ने कहा कि सभी विद्यार्थियों को किसी न किसी खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। खेलों के माध्यम से बच्चों में कठिन परिश्रम, संकल्प शक्ति एवं टीम भावना के साथ काम करने की क्षमता विकसित होती है। विद्यालय की खेल प्रभारी स्मृति मल्होत्रा ने वार्षिक खेल प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। अपने संपादकीय लेख में श्री अक्षय गुप्ता ने पितृ पक्ष के विधानों में समयानुकूल आवश्यक परिवर्तन लाने पर विचार करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष में दान, तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान ब्रह्म भोज करवाया जाता है और पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जाता है। हालांकि आज खास तौर से शहरों में प्रत्येक कॉलोनी में 1 से 2 पंडित जी ही होते हैं। ऐसे में एक ही दिन सभी के यहाँ भोजन करना काफ़ी मुश्किल एवं उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी होता है, इसलिए उन्हें भोजन करने की बजाय राशन सामग्री देने पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही वस्त्र ही देने की बजाय उन्हें उनके लिए उपयोगी अन्य वस्तुएं देने का प्रयास होना चाहिए। इसके अलावा हमें हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा कर नियमित रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गंगा इंटरनेशनल स्कूल हिरणकूदना ने एक शानदार अलंकरण समारोह में चयनित छात्रों को प्रीफेक्टोरियल बॉडी के विशिष्ट सदस्यों को विधिवत शपथ ग्रहण करवाते हुए कार्यभार प्रदान किया। प्रधानाचार्य स्वाति जोशी ने चयनित छात्रों को बैच ऑफ ऑनर प्रदान किया। पूरे प्रीफेक्टोरियल निकाय ने एक प्रभावशाली मार्च पास्ट प्रस्तुत किया, जिसका नेतृत्व हेड बॉय न्यायप्रिय कश्यप एवं हेड गर्ल शुभांगी ने गर्व से स्कूल का झंडा लहराते हुए किया। सदन के कप्तानों और उप कप्तानों ने अपने सदन के झंडे पकड़कर उनका अनुसरण किया।
छात्र संघ के सदस्यों ने अपने कर्तव्य को निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करने की शपथ ली। संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा के कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा हृदय से हर दिल का उपचार थीम पर हृदय रोगों के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्कृति स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्राचार्य डॉक्टर के पराशर ने विद्यार्थियों और टेक्नीशियनों को संबोधित करते हुए कहा कि आप टेक्नीशियन हैं तो जहां ज़रूरत पड़े आगे बढ़कर मदद करें। उनका कहना था कि जो लोग प्रारंभिक उपचार को जानते हैं उनको किसी की सहायता करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गौरांग सर्वांग ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को दूसरों की मदद के लिए प्रेरित किया जाता है। SOMAS विभागाध्यक्ष डॉक्टर RP जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर वैभव सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। दिल्ली की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक खबरों के लिए पढ़ें मेरी दिल्ली साप्ताहिक समाचार पत्र। यदि आपको मेरी दिल्ली नहीं मिल रहा है तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें 8588492508996322000। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।